राधे राधे। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। तो आज है दिन बुधवार, तो सुबह के काम तो सारे हो गए हैं। किचन वगैरह मैंने क्लीन भी कर ली है, तो झाड़ू लग गई है। मतलब झाड़ू तो मैंने सुबह ही लगा ली थी, बस पोछा लगाने जा रही थी तो मैंने सोचा क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश बाल वगैरह धोने हैं और मैंने बेडशीट वगैरह हटा रखी हैं तो वो डालनी है, बाकी कपड़े धुल गए। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले मैं सब्जी बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं बाकी के काम समेट के, क्योंकि आगे इन कामों में लग जाऊँगी तो फिर सब्जी लेट हो जाएगी और मैंने मतलब नाश्ता अभी कुछ किया नहीं। तो यहाँ पे मैंने तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे मैंने आज लौकी की जगह तोरी काट के रखी है, छोटे छोटे पीस में काटी है, और प्याज है, लहसुन है। चने की दाल मैंने भिगो के रख दी है, और चने दाल बना जैसे चने की दाल का कुछ मैं बनाती हूँ तो पहले ही भिगो देती हूँ। और ये देखिए कुकर चढ़ा के, पता नहीं मैं पीहू कुछ कर रही थी, देखने चली गई, तो यहाँ पे कुकर गर्म हो रहा है, तो बस इसमें मैं अब ऑयल डालूँगी। तो ये वाली दाल बच्चों के लिए काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि अगर आप तोरी मेरे घर में, तो अगर आप मैं अलग से तोरी या लौकी की सब्जी बना देती हूँ तो बच्चे बिल्कुल नहीं खाते हैं, तो उनके लिए ये जुगाड़ बहुत अच्छी है और बच्चे बड़े शौक से तो खाते हैं आज मैं फिर। जा रही हूँ, वैसे तो मैं लौकी के साथ चने की दाल बनाती हूँ, लौकी डाल के जो चने की दाल बनती है, लेकिन तोरी डल के भी चने की दाल बनती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले ये प्याज चॉप करूँगी। प्याज है और लहसुन है, अदरक भी डाल सकते हैं, अदरक भी हो तो और मतलब ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाएगा। अदरक मसाले में तो हर सब्जी में अदरक पड़ती ही है, तो बस यहाँ पे मैं ये प्याज को चॉप कर लेती हूँ। दाल मैंने भिगो रखी थी, बस ये तोरी कट गई है, तो बस यहाँ पे कुकर भी चढ़ा दिया है, तो पहले तो मैं इसको करूँगी चॉप। प्याज मैंने ये चॉप कर लिया है, कुकर चढ़ा दिया है, कुकर में ऑयल हो गया है, तो सबसे पहले मैं हींग डालूँगी। हींग बढ़िया से हो जाए खूब अच्छी, इसके बाद ये मैं गरम मसाला है, थोड़ी सी काली मिर्च, तेज पत्ता और जीरा। इसके बाद ये प्याज प्याज और लहसुन। प्याज देखिए ये बढ़िया सा भुन गया है देखिए, तो मैंने ना इसी में टमाटर, धनिया, हल्दी, मिर्ची और नमक सारा पीस लिया है, तो अब ये उठा के मैं साथ में डाल देती हूँ। तोरी डाल के मैंने खूब बढ़िया से भून दिया ये देखिए। अब मैं डालूंगी इसमें ये चने की दाल भीगी हुई, जो मैंने पहले ही भिगो के रख दी थी। मैंने कहा आज तोरी डाल के चने की दाल बनाती हूँ, और ये तोरी की मतलब चने की दाल बनाओ ना ऐसे तोरी डाल के, बहुत अच्छी लगती है, काफ़ी टेस्टी लगती है दाल। काफ़ी दिन से मैंने सोच रही कि बनाऊँ बनाऊँ, मैंने कहा लाओ आज बना ही लेती हूँ, क्योंकि तोरी थी आधा किलो, तो आधा किलो तोरी मतलब होती भी नहीं सही से, और बच्चों को तोरी 60 को कम अच्छी लगती है तोरी की सब्जी, उनके लिए फिर मुझे कुछ और बनाना पड़ता। पीहू को तो ये है कि खा लेती थोड़ा, फिर मैंने कहा लाओ चने की दाल में डाल के बनाती हूँ, तो इससे चावल है, रोटी है, बहुत टेस्टी लगते खाने में। चने की दाल मैंने डाल दी, और सब्जियां इतनी महंगी हो रही हैं, ये देखिए इस तरीके से इसको खूब अच्छे से दाल डाल के भी भून लेना है थोड़ी देर, फिर उसके बाद इसमें पानी डालेंगे। और जैसे लौकी डाल के चने की दाल जैसी मतलब उसमें ग्रेवी रहती है ना गाढ़ी गाढ़ी सी, ज़्यादा पतली नहीं बनती है, पानी तो ये है कि अपने अगर चावल खाना है तो थोड़ी सी तरी जा थोड़ी सी कर लो, और तो अगर केवल रोटी सिम खानी हो तो थोड़ी सी गाढ़ी बना लो, तो ये इसी हिसाब से। चलिए मैं इसको भून के
इसमें डालूंगी पानी। पानी मैंने इसमें डाल दिया है, इसमें गरम मसाला जब बन जाने के बाद डालूंगी। और पानी मैंने थोड़ा ज़्यादा ठसा मतलब डाल दिया है इतना, क्योंकि अभी ये पकेगी ना, चने की दाल है, क्योंकि चने की दाल बनने के बाद थोड़ी गाढ़ी सी हो जाती है, इसलिए मैंने पानी ठीक डाल दिया ताकि ये अच्छे से गल जाए। जब इसमें थोड़ा सा खोल आ जाए फिर इसमें मैं लगाऊंगी। चलिए अब ये दाल में खोल जाएगा, उसके बाद लगाऊंगी मैं। और अब मुझे समेटने हैं काम। ये देखिए अभी मैं बेड कपड़े निकाल के मैंने बेड शीट वगैरह नीचे डाल दी है, इस कमरे की भी और उस कमरे की भी, दोनों की ही मुझे बिछानी है। तो चलिए ये काम भी मैं समेट लेती हूँ। कूड़ा वाला इतने दिन से नहीं आ रहा, कूड़ा का इकट्ठा होता जा रहा, देखो कूड़े का ढेर लगा पड़ा है। अच्छा मैंने लगा लिया है और बस ये कपड़े मैं ऊपर डाल आती हूँ। और दाल बन गई है तो मैंने गैस बंद कर दी है। चलिए कपड़े ऊपर डाल के आती हूँ। कूड़ा वाला आ गया, कूड़ा भी डाल दिया बाहर, सब धो दिया है। बेड शीट वगैरह मैंने दोनों बिछा दी हैं, तो बस अब मैं फ्रिज से निकालूंगी आटा। और मैं ना सुबह जब आटा लगाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही लगा लेती हूँ, लेकिन बाहर ही नहीं छोड़ती हूँ, फ्रिज में रख देती हूँ। क्योंकि सुबह टाइम 7-8 ऐसे बजे लगाती हूँ, तो फिर दिन भर अगर फिर यहाँ पे अभी टाइम 12 कभी 12:30 बजे ऐसे हो जाता है, तो फिर मैं बाहर नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि गर्मी पड़ रही है तो ख़राब होने का डर रहता है। तो अब मैं देखती हूँ दाल कैसी बनी है, और तवा मैंने चढ़ा दिया है। तो ये देखिए दाल काफ़ी अच्छी बनी है, और मैंने थोड़ी सी मतलब तरी वाली बनाई है, क्योंकि मैंने चावल बनाए हैं, क्योंकि CTPU चावल दोपहर में दाल के साथ खाती हैं। तो आप इसको गाढ़ी बना सकते हैं रोटी के साथ, गाढ़ी बनाओगे ना तो बहुत टेस्टी लगती है। मैंने थोड़ी सी मतलब वैसी बनाई है तरी वाली, तो बहुत टेस्टी लगती है। तोरी डाल के चने की दाल बनाई है गाइस, बहुत टेस्टी लगती है ये। तो इसमें अगर धनिया और होती तो और मज़ा आ जाता। तो ये है, सुबह मैंने अरबी बनाई थी सूखी, चपाती और प्याज और खीरा। तो आ जाइए लंच करते हैं। तो ये टॉवल वगैरह मैंने धोने के लिए डाल दी थी, तो जिस दिन मैं बाल धोती हूँ उस दिन सारी टॉवल और बेड शीट वगैरह सारी चेंज करके
और इनको धोने के लिए डाल देती हूँ। तो यहाँ पे ये कपड़े धुल गए हैं, तो मैं जाऊँगी ऊपर डालने, और खाना मैंने खा लिया है। राधे, आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और एकदम बढ़िया होंगे। और ये शाम का टाइम है और टाइम 7 बज गया है, तो मैं जा रही हूँ ऊपर कपड़े उठाने, नहीं फिर मैं भूल जाती हूँ। फिर ये शाम को जब ऊपर जाते हैं रात में, तो गुस्सा करते हैं कि ये कपड़े ऊपर पड़े रह गए तुम्हारे। एक दो दिन से ना कपड़े डले रह जा रहे थे, तबीयत मेरी ढीली सी थी ना, तो मन नहीं कर रहा था। तो कुछ कपड़े दोपहर के भी पड़े हैं, तो मैं ऊपर से उठा लाती हूँ, तो वो भी साथ में ही तय लगा लूँगी। सृष्टि पढ़ रही हैं। पियो, चलो तुम भी थोड़ी देर पढ़ो, चलो चलो निकालो बैग, अभी आ रही मैं। नहीं क्या, गर्मी बहुत हो रही है और आज मैंने बाल धोए हैं, कल, लेकिन कल बृहस्पति है, परसों मैं मेहंदी लगाऊंगी बालों में। बाल बहुत झड़ गए। चलो पहले ऊपर से कपड़े उठा के ले आती हूँ। गर्मी बहुत है इधर, कुछ हवा भी नहीं चल रही शाम को बिल्कुल। और पता है वो, ये देखो मैं दिखाती हूँ आपको, वो ये कपड़े डालने वाला ना तार टूट गया पूरा। कपड़े मैंने देखो कैसे डाल रखे। सूखे कि नहीं, सूख तो गए। ऐसे डाले मैंने कपड़े, इनसे कह रही मैं कि तार ले आओ ले आओ। ये कपड़े रखे हैं, इन्हें भी तय लगा लूँगी। देखो कितने सारे कपड़े हो गए। लाइट सब तय लगाने। कोशिश ठीक ही, ड्रेस भी डालनी है अभी। इनकी ड्रेस डाल देती हूँ। इस छोटे से ब्लॉग का एंड मैं यहीं करूंगी और मिलती हूं आपसे एक न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ब्लॉग पसंद आया हो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।